हाँ, तुम्हारी क्या समस्या बता। हाँ, हमारी ये समस्या है कि हमारी लड़की 2 अगस्त को आ रही थी कहाँ से, बुधनी से वर्तमान कंपनी में काम करने गई थी। हाँ, फिर आ रही थी एग्जाम देने के लिए। अच्छा, इसके बाद में होशंगाबाद में 4:40 में उसने स्टेटस देखा। काय पे देखा है उसने स्टेटस? मोबाइल पे। तो लड़की ने देखा या तुमने देखा था? लड़की ने देखा, होशंगाबाद की। तो लड़की ने तो डाला होगा स्टेटस ना, तो और किसी ने देखा होगा कि लड़की डाल देंगे वही देख लेंगे। मैं लड़की ने देखा ना, लड़की ने डाला है उसको। हाँ। तो सामने वाले ने देखा। अच्छा, उसके बाद में लड़की उधर से आई है। हाँ। और ब्रिज पे एक थैला और एक बैग। हाँ। उसको रख दिया गया है ब्रिज पे। उसके बाद में पुलिस के फोन आए मेरे पास में 7:30 बजे कि आपकी लड़की मोनिका नाम की उसने जंप लगा ली है नर्मदा ब्रिज। अच्छा, ऐसे पुलिस द्वारा हमको। हाँ। मतलब तो ये होशंगाबाद ब्रिज है या बुधनी का ब्रिज? बुधनी ब्रिज, बुधनी ब्रिज। उसके बाद में हम गए बुलेरो लेके यहाँ। हाँ। 12 लोग। अच्छा, जिसमें हम दूसरे दिन मतलब 3 अगस्त को 3:30 बजे तक के हम वहीं डटे रहे। हाँ। थाने भी। हाँ। नेपाल यार उन्हें गर्जी करी। हाँ। उसके बाद में 3:30 बजे तक के हम वहीं डटे रहे कि कुछ डेड बॉडी मिलेगी, जिसका पता आज तक के कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस वाले ने कोई कुछ किया अभी तक का? नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे। और सरकार से कुछ लाभ मिला नहीं मिला अभी तक का? मदद कौड़ी कभी नहीं मिला। हमने सीएम हेल्पलाइन में फोन लगाया तो भी कौड़ी कभी लाभ नहीं। तो सीएम हेल्पलाइन में फोन किया तो क्या बोले वो सीएम हेल्पलाइन वाले? कुछ नहीं बताया उन्होंने अभी तक, कोई नहीं। सीएम हेल्पलाइन से भी कुछ नहीं मिला? कुछ निराकरण नहीं आया। अच्छा, तो सरकार से कुछ कहना चाह रहा है? सरकार से तो हम काफी कहेंगे ना, अब जो सरकार है अभी वर्तमान में। हाँ। उससे नहीं कहेंगे हम, विपक्ष पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी। हाँ। उनसे दावा रखेंगे कि भाई बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं इस मामले की। अच्छा, बस ये बात कहना चाहते। चलो ठीक है।